नमस्कार। नुआ सकाळ रे सबु चासी भाई भोनी मानकु अन्नदाता रे एक नूतन अध्याय को मु बंदिता स्वागत करूची। एबे आसंत जीवा कार्यक्रम को आउ जानि नेबा मुख्यांश गुडीक। वैज्ञानिक पद्धति रे सिसाल बा मुर्गा चास, शीत दिने माछ पोखरी रे जत्न, ये चाषे आमको रक्षणाबेक्षण विशेष किसी दरकार पड़े ना। प्रथम तीन वर्ष आमको रक्षणाबेक्षण करा पड़ो, जो वर्ष आम लगे तापर वर्ष टिके घास फास बाछी देकर सार फार व्यवहार कले, तापर वर्ष भी व्यवहार कले। तो हाँ, आउ गोटे जिनस अच्छे रक्षण होता है, जदि आम पहाड़िया जगार लगे तो खरा दिन जंगल में निआ लगुच, से निआ दारू टे रक्षा करा पड़ो, जेहेतु गच को निआ लगे से गच्छ हृष्टपुष्ट हो पार ना। आमे ये गछटा लगेला परे तीन वर्ष रे तो प्रथम थर आम कटिंग आरंभ करवा, तो तीन वर्ष रे जितला आमे कटिंग करवा तलु आमर फिनिशिंग हो जिवो। फिनिशिंग हला परे तीन वर्ष भितरे जो दस पंद्रह पत्र बाहरी जिवो, ता पर वर्ष ठू आमर गछ पूरा हृष्टपुष्ट हो, भलगिरि हो, आ प्रत्येक वर्ष कटा जिवो। सेटा जदि ताको आमे भल हिसाब से कले, पानी देकर जलसेचन देकर जदि सार फार प्रत्येक वर्ष जदि आमे देकर भल भाव खाली कले, तो आमे छ मास रे थरे भी ताको कटिंग हो पार। तो जदि छ मास रे न होजे प्रत्येक वर्ष आमे ताको काटिबा, आ प्रत्येक वर्ष काटले जदि आमे बहुत तीन चार एकड़ कि दस एकड़ भितर आम कले, से जगह आम मेसीन पकई पारा, जो मेसीन कि आम इलेक्ट्रिफिकेसन कि दरकार नहीं, डीजेल से मेसीन चलो गोटे, से मेसीन में चलकर आम से जगह उपर आम पेशी पार, आ जगह पेशिकी से गोटे दु दिन भितर धोई सुख, तो से पार्टी भी आसिक से जगह उपर ही नहीं जी। पत्रटा काटला आम सांगे सांगे पेसई दि जाऊँ, पेसई देला धोईकी सुख दिहला, सुख पांच पांच के जी बंडल करा हो जी, पांच का पांच के जी बंडल कला पुणी पचास के जी बंडल क्विंटल किया बंडल करी आम रखी दि हूँ, रखी दिहला पार्टी आसिक सांगे सांगे से नहीं जाऊँ। आम गच लगेबार तीन वर्ष भितरे गछर चेर जो पर्यंत लंबी थी से गोटे गोटे थोड़े छोट चारा सब बाहर, तो से चाराटा को आम नहीं अलग कृषक को भी बिकी पार, आजर जगह जो अच्छी आम लगे पार, तो आम से चारू भी आमर किसी खर्च भी बाहरी जो प्रत्येक वर्ष जो औषध लगे, औषध दरकार तो पड़ो ना, सार जो लगे प्रथम वर्ष से सार कष्टा भी से चारू बाहर, जोटा कि चारा गोटा को छः टाँचा सात टकर मार्केट में बिक्री हो। तो अलग जदि चाषी जड़े चाहिला से चाषी नहीं लगे कि निजर जगह जो अच्छे आम से लगे पार से चारा को। आपको आम जो पेसौं पेसी सारा मोर तीन एकड़े पांच हजार चारा लगी, तो से पांच हजार आमर आठ रु दस क्विंटल फाइबर बाहर, जोटा कि आम रसीटा पूरा बाहर से दस। आम जदि चाषटा करवा यहाँ फाइबरटा जितना आम पेसौं पेसला तार जो रस्ट जिनसा चोपड़ा जो बाहरी जाटा डस्ट गंड बाहर ताको आम कंपोस्ट व्यवहार कर पार्बा, से गचर चतुर्थ नंबर वर्ष ठूँ आमको आज सार दे पड़े, से आम कंपोस्ट काम दब, तो से गचर आम दे पार्बा कि आम धान चाषर दे पार्बा, जदि किसी पनीपरिया चाष कर सार हिसाब से व्यवहार कर पार्बा तार कंपोस्टा। तो तापर रहा आम जो जगह आम लगे यहाँ आम बाड़ा हिसाब से भी आम व्यवहार कर पारा, बाड़ा कहे आम जो धान चाष कर गाई गोर ढोक आसमु तार बाड़ा देवाक पड़ोन यहाँ आम बॉर्डर में लगेदे, बॉर्डर से तार बाड़ा हिसाब से रहा ये गचर जो कंटाटा अच्छी ये कंटाटा बहुत पूरा तीक्षण, से कंटा जोटा कि हाथी भी ताकि ढुकी पारे ना, तो गाई बल तो कहीं आसपारे ना, आम बाड़ा हिसाब से आम व्यवहार कर पार्बा, आ बाड़े भी है आम फाइबर में भी यूज कले। आ गोटे जिनस रहा जदि आम जो आम गड़ाणिया जगह अच्छी मटी अतड़ा खसी जाऊँ कौटी नदी खाई जाऊँगी, से जगह जदि भी आम लगे तो से मटर भी रक्षणाबेक्षण हो पार, गछ भी गच को आम फाइबर पाइले मटी भी आम से जगह रक्षणाबेक्षण हो पार। तो मु लगेबार यहाँ चतुर्थ नंबर वर्ष, तृतीय नंबर वर्ष ठूँ आम एक्चुअली काटा कथा, जेहेतु ये कोविड आमको असुविधा कला आम काटिपाल ना, यहाँ ये वर्ष चतुर्थ नंबर वर्ष ये वर्ष आम काटिकी आम पेसईकर आरंभ यहाँ चली आरंभ कला भी मो देखा सुखा आ कि चाषी भी आरंभ कले, आमकर वर्षे दु वर्ष से लगे फाइबर बाहरी ना, अन्य चाषी मानक भी जनवाई चाहूँगी जो मानकर एमती ढीप जगह कि गाई गोर चरुँच कि धान चाष हो पार नहीं, तो से जगह आपण मैंने भी यस करूँ आतार लाभ जनक फायदा उठात। मुझे देखी तीन एकड़ खड़े चाष कर आसिक
मो जगार एकड़े खंडे चाष करी अबे कटाकुटी करी किछि दिन परे बर्षे परे कटा हबा मोटा भी चाष रे मु भी लाभ पाइबी बोली जानि पारुछि गाँव रे भी आउ किछि चाष करिवे बोली जना सुना पडुछि। एबे गोटिया छोटिया बिरती रा समय बिरती परे रहिछि बिरती परे आपनकु पुनि थरे स्वागत। माछ चाष विषय रे वर्तमान उणा अधिके समस्त अवगत होइ सारिलेनी। साधारणतः एही शीत दिने माछ पोखरी रे सफा सुतरा जल परिष्कार शिकारी माछ दूरीकरण चूर्ण और सार प्रयोग तथा जल और माटीर परीक्षा करिबा आदि नित्यांत जरूरी होइथाय। तेणु से सबुर समाधान किपरि करा जाय पारिबो आसंतु जानिबा आमर एही प्रस्तुति रे। साधारणतः माछ चासरे शीत दिनटा टिके मारात्मक माछर ग्रोथ पई माछर क्रम वृद्धि रे सेतिबाय आमे साधारणतः खाद्यटाकु टिके कमेक देइ थाउ। माछर बॉडी वेटर जो 5-6% दिया जाए तापर कमी जाए 4-3% को ता शीत दिन साधारणतः तो कमी जाए था। कुहुड़ी जो पड़ुची सका कि थंडा पाग जो होतीबले आम पानीर डीजेल ऑक्सीजन जोड़ा कौचे जोड़ा 5 mg रहा कथा पर लिटर सेतबले आम साधारणतः तो मोटर द्वारा पानीटा चल डीजेल ऑक्सीजन द्रवीभूत अम्लजान पानी बढ़ियापी आजिकल एरिएटर सब देखागला जदि एरिएटर लगे दौचे पानीर डीजेल ऑक्सीजन बढ़ी थाए उष्मता बढ़ी थाए आ मोर्टालिटी प्राय होइ न थाए आ माछर ग्रोथ उपर मध्ये आ निर्भर करे। एरिएटर द्वारा आमे बर्तमान जेतिक माछ प्रोडक्शन पाइया कथा तार 20-25% माछ अधिया पाई थाउ सेतिबाय प्रत्येक चासी यार सुजोग नवा पई आमे एडवाइज करूचु जे एरिएटर जदि लागिला पोखरे माछर डीजेल ऑक्सीजन जो प्रॉब्लमटा होउची शीत दिने साधारणतः संध्या बेले राति रे आउ अर्ली मॉर्निंग रे जो कुहुड़ी पड़ुची ताहा दूरीभूत होइथाय। आउ आ सहित आम देखुचु प्लांक्टन ग्रोथ मध्य भल होइथाय आउ माछर जो आम कहे क्रम वृद्धि होइथाय माछर मध्य प्रोडक्शन रे बेसी फलप्रद होइथाय आउ माछ चासरे जेतिक माछ पाइबा कथा तार 20-25% अधिका माछ आमे पाई थाउ कारण माछर गतिविधि टिके जोर होइथाय तांको भोक लागे आउ सेमाने खाद्य खाइबारे आग्रह प्रकाश करथांदि सेतिबे शीत दिने आमे साधारणत मोटर त आगु चलौथिले आउ मोटर न चले परिवर्ते आमे आजिकालि आमे एरिएटर आमे निर्भर करुछु आउ गोटे गोटे एकर को आमे दुईटा गोटे मत एरिएटर द्वारा काम चलाउँछु। आजिकल तो एरिएटर उपर गवर्नमेंट रिहाती देले 50% सब्सिडी सेतिपाई चाषी मैंने यार सुजन को मु अनुरोध करे। साधारणतः गोटे गोटे एरिएट जो लगी आम देखु 28-30 हजार 31 हजार पड़ुती भल भल कंपनी अच्छा तार जो मोटर साफ्ट लगुच तार जो ब्लेड लगुच तार जो पेडल लगुच आम कंपनी दे कि धरिक आम भल कंपनी ठू गवर्नमेंट सोर्स आम आने आपण मैं आडभाइज दूस। एबे गोटिया छोटिया बिरतीर समय बिरती परे रहिछि बिरती परे आपणकु पुनि थरे स्वागत। पोटळ एक अधिक अमलक्षम अर्थकारी फसल ओडिसार विभिन्न अंचल रे एहार लाभजनक चास करा जाई पारिबो। पोटळ चास पई उष्मा आद्र जलपायु आवश्यक होइथाय। पोटळ फसल रे विभिन्न ऋतु रे विभिन्न प्रकार रोग पोक लागिथांति लाभजनक भाव पोटल चाष करबाकु हेले एई फसलर रोग पोक प्रति सर्वदा सतर्क हेबा उचित। आज आसंतु जानिबा पोटल फसल रे समन्वित पद्धति रे रोग पोक परिचालना विषय रे। पोटल केते जगह रे आमे देखिलु जे विभिन्न प्रकार रोग पोक रे समस्या देखाउची जाद्वारा कि चाषी जेतिकी अमल आशा करछ सेतिकी पाइबाकु सक्षम होउनी। तेणु प्रथम तो आम देखल पोटल कषी गुड़ा सब सुखिक गली पड़ुच्छे जो फल आ फल गुड़ाक हलदिया पड़ जा नालिया पड़ जाऊँगी सुखिक गली पड़े और फटेक देखला बेलू ता देर पोक बाहर तेणु आंक सब सुखी जा पत्र गुड़ाक मड़ मड़क जी आप हाथ मारे से भांगी जा सुखिक तेणु ये समस्या रोच विभिन्न प्रकार रोगर प्रथमतः आम पोटल जो फलमाछी समस्या बहुत तेणु फलमाछी की आम जी नियंत्रण करने को आमको फ्रूट फ्लाई ट्राप जो बजार मिलूँ ताकू आमको
प्रयोग करिया पड़िबो तेणु आम को जो मैंने पोटल चाष कर फ्रूट फ्लाय ट्रैप व्यवहार करूँ ना जो मैंने निजे ट्रैप या फ्रूट फ्लाय जमी आम मालाथेन गुड़ को मिसेक आम थोप या तेणु आम जी 20 लिटर पानी आम 20 ml आम मालाथेन पकेबा 200 ग्राम जी आम गुड़ मिसेक आम सिंचन करा थोप आगे काम दे था ना आम आपको विभिन्न जगार सड़े नहीं रखिपर ताद्वारा फ्रूट फ्लाय फल मैंने आट्राक्ट हो आसिक समस्याटा कमीज ता छड़ा आमर जी आम देखा पचिला कदमी अच्छी ताकूदी स्लाइस करोट छोट गोटे गोटे दानादार देकर विभिन्न जगह रखा तेल फ्रूट फ्लाय फल मैं आट्राक्शन होकर यही जगह आस बस और मृत्युवरण होता है ता छड़ा आम जी मालाथियन को 1 लिटर पानी 1 ml हिसाब से भल भाव सिंचन कर सुफल मिलता है तेणु आमर विभिन्न प्रकार उपाय अच्छी फलमाची कंट्रोल नियंत्रण आपणकर जदि विशेष क्षति होती आम जो निकटस्थ कृषि विज्ञान केन्द्र और आम गवेषणा केन्द्र सब अच्छी विभिन्न जिले में किंवा आपणकर उद्यान बीत जी अच्छा कि कृषि अधिकारी सहित जोजोग करूँ और सठिक बरण से पाइपर ता छड़ा आम देख लु के जगार कषी गली पड़ी कषी गलार विभिन्न कारण हो पारे प्रथम तो हूँ आमर जी माई अंडेरा गचर अनुपात ठीक न था कषी गली पड़ता है तेणु माई गछ आम रेन्टू 1 रखा 10 जी आम माई गच रखा तेल गोटे आम अंडेरा गच रहा दरकार यो अंडेरा गच विभिन्न जगार रहा दरकार तेणु से चाषी मैंने सतर्क होगा दरकार अंडेरा गच अभाव हो जाए तो पराग संगम टिंग हो पारे एवं पोटल कषि गुड़ा झड़ी पड़े ता छड़ा आप देखिए आमर केतटा फिंपी जनित कारण रोग जो आम फल गुड़िक गली पड़े कषि गुड़ा गली पड़े तेणु से आमको 1 लिटर पानी आम जो रहा रिडोमिल औषध मेटालेक्सिल मानकोजे कि कार्बनडीजिम मानकोजे ये सब रहा कि खाली कार्बनडीजिम ताकू 2 ग्राम हिसाब से आम मिस सिंचन करवादे सुफल पाइपर ता छड़ा आमर जो रहा केतटा अणुसार अभाव प्रकार समस्या होता है कषि झड़ी था तेणु आम जी अति कम्रे आम जो बोरन अच्छी बोरन को आम जी 1 लिटर पानी 2 ग्राम हिसाब से मिसेक भल भाव सिंचन करवा कषि झड़िया कमिज ता छड़ा आमर जो रोग देखिले आम रोग केतटा अच्छी जोटा आम देख लु आपणकर जो पत्र गुड़ा सुखी जा डक गुड़ा सुखी जा गछ गुड़ा मरी जाए आम गोटे डाउनी मिल्डी अच्छी जहाँ गोटे फिंपीजन रोग से ही रोग हेल्ले यही सब समस्या हे पत्र गुड़ा पूरा सुखीज एवं गछ गुड़ा मरीज से आमको जो औषध कही मेटालेक्सिल मानकोजे रिडोमिल आकार जो बजार मिलूँ 1 लिटर पानी 2 ग्राम हिसाब से मिसेक भल भाव सिंचन करा पड़ो कि आपणकर टेबुकोनाजोल औषध ताको 1 लिटर पानी आम 1 ग्राम हिसाब से मिसेक भल भाव सिंचन करवाक पड़ो तेणु एमती सब जी आम समन्वित उपाय रोग पोक को नियंत्रण करवा निश्चिंत भाव में आमर जो पोटल समस्या रोचे समाधान हे तापर आ गए शेष कथा कह आपणकर घास नियंत्रण करेंगे ठीक भाव में परिष्कार पचन रहा जोगुड़ाक पोका पोटल जो जोगुड़ाक सुखी जा तोलिकी गोटे जगार पोतिदे कि पोड़ीदे आउ फर्दर आमर जो रोग पोक समस्या बढ़े ना और कमी जाए तेणु यहीपर जी आम करवा निश्चिंत चाषी भल पोटल अमल करें और लाभ नहीं पारे। आज अन्नदाता आपण सेवा सोपान क्या प्रश्नर उत्तर रही आसतु जानवा अन्नदाता कार्यक्रम निःशुल्क फोन सेवा मध्यम गंजाम जिलार कुकुड़ाखंडी ग्राम चाषी प्रभाकर पंडा से वैज्ञानिक पद्धति में गेंडु फुल चाष विषय किसी तथ्य जानवाक चाहते आसतु जानवा आमर यह प्रस्तुति को बर्तमान शीत दिन हूँ फुलर समय शीत दिन में ओडिशा रे विभिन्न प्रकार फुल चाष होता है से मध्यरु गेंडु एक मुख्य फूल भाव ग्रहण कराए फूल भितर अनेक प्रकार फूल जेपरिक गोलाप सेवती डालिया इत्यादि चाष कराए से आमर व्यावसायिक भित्तिर गेंडु गोलाप ग्लाडियोलस रजनीगंधा को ओडिशा रे मुख्यतः चाष कर पल्ली हाउस भितर डच रोज चाष करमधर आमर गेंडु फूल जेहेतु चाष करने प्रणाली अति सहज चाषी भाई मैंने आदर सहित यह व्यावसायिक भित्तिर चाष कर गंजाम जिले में प्राय
60 रु 100 हेक्टर जमि रे गेंडु फूल चाष करा जाउ अछि। एही गेंडु फूल चाष अत्यंत सहज, तेणु चाषी भाई माने जदि एहाकु उन्नत प्रणाली रे चाष करिवे तबे एथिरु अधिक अमल पाइबा संगे संगे अधिक लाभ पाई परिवे। गेंडु फूलर जेकोनसी जलवायु रे चाष करा जाई परिवो, किंतु अत्यधिक शीत छड़ा अन्य जेकोनसी समय रे मध्य एही चाष करा जाई परिवो। प्रायत 20 रु 30 डिग्री सेंटीग्रेड उत्ताप थिबा समय रे एही फूल चाष करले एथिरु अधिक अमल मिलिथाय। सेहिपरि मृत्तिका विषय रे जदि चाषी भाई माने ध्यान देबे, जेकोनसी माटी छड़ा निगिड़ा उर्वर दोरसा माटी जहार अम्लता 6 रु 7.5 भितर थाए, सेही प्रकार माटी रे गेंडु फूल अधिक अमल होइथाय। गेंडु र किसम को देखिया गले गेंडु र दी प्रकार गेंडु अछि, गोटे होछि आफ्रिकीय गेंडु आ गोटे होछि फ्रेंच गेंडु। आफ्रिकीय गेंडु जो रहउछि सेटा साधारण तार जो फुलर आकार साधारणतः फरासी गेंडु अपेक्षा अपेक्षाकृत बहुत बड़ होइथाय, एवं देखिबे कि तार जो गच्छ गुडिक साधारणतः डेंगा होइकिना हेथिबो, एवं क्वांटिटी जो फ्लावर तार जो जेते फुलर परिमाण साधारणतः टिके कम थाय, किंतु फुलर साइज अपेक्षाकृत बड़ होइथाय आपणकर फरासी गेंडु अपेक्षा। आपणकर जो फरासी गेंडु रहउछि सेटा साधारणतः बुसी हेकि माने आपणकर गहळिया होइकिना होइथाय, एवं बहुत परिमाणर फुल फुटिथाय, किंतु यार जो फुलर आकार साधारणतः आफ्रिकीय गेंडु अपेक्षा क्रमशः छोट होइथाय। साधारणतः आपणकर जो आफ्रिकीय गेंडुर जो किसम गुडिक रहिअछि, आफ्रिकीय गेंडुर उन्नत किसम जियांट डबल आफ्रिकान अरेंज बा येलो, स्नो बार्ड, पुसा बासंती, पुसा नारंगी, स्पॉन येलो बा गोल्ड, सदर्न डबल अरेंज बा येलो, आफ्रिकीय गेंडुर शंकर किसम इनका अरेंज बा येलो बा गोल्ड, रॉयल ऑरेंज बाय येलो बाय गोल्ड। तापरे आपणकर जो फरासी गेंडु रहिछि सेथरे आपणकर आसी बटरस्कॉच, हनीकम, हैप्पी ऑरेंज बाय येलो, लेमन ड्रॉप, लिटिल डेविल येलो बाय व्हाइट कलर, स्टार डस्ट गोल्डी। गेंडु फूल पाई बिहन भावरे आमे मंजी किंबा कट्टा कलमी व्यवहार करि परिबा। मंजीरो जदि आमे फूल चाष करिबा ताहाले पूर्व वर्षर मंजी को चाषी भाई माने सुखाई रखिथिबे सेही प्रकार मंजी व्यवहार करिबा उचित। एही मंजी हेक्टर प्रति पाखापाखी 500 रु 750 ग्राम पर्यंत आवश्यक होइथाय। मंजी यदि बिहन भावरे व्यवहार करिबे तबे मंजी को पूर्वरु विशोधित करिबा उचित। सेथिपई गोटिए केजी मंजी प्रति हरारी 2 रु 3 ग्राम कैप्टन किंबा बेबिस्टिन किंबा भिटावेक्स पावर सहित गोलाई मंजी को पूर्वरु प्रस्तुत होइथिबा तळी घरारे पकाइबा उचित। सेथिपई गोटिए भल तळी घरटिए प्रस्तुत करिबा आवश्यक, जहार लंब 3 रु 4 मीटर होइथिबो, ओसार 1 रु 1.5 मीटर पर्यंत होइथिबो, जहार उच्चता कि 15 रु 20 सेंटीमीटर पर्यंत होइथिबो। एही प्रकारर तळी घरटिए प्रस्तुत करि एहाकु छोट छोट पट्टाळी रे विभक्त करि देबा, एवं एही पट्टाळी चारिपटे पिंपुडी न लागिबा पई मिथाइल पाराथियन किंबा क्लोरोपाइरिफस गुंड बुणि देबा परे सेही तळी पट्टाळी रे पूर्वरु प्रस्तुत होइथिबा विशोधित होइथिबा बिहनकु बुणिबा आवश्यक। सेथिपई प्राय 7 रु 10 सेंटीमीटर धाड़ी रे व्यवधान रे जो धाड़ी प्रस्तुत करी से धाड़ी रे 1 रु 2 सेंटीमीटर गभीर रे बिहन बा मंजी पकाइबा उचित। पकाइबा परे सुखिला खत या उपरे बिंची देबा, एवं या उपरे नडा द्वारा छादीकरण करी ता उपरे पानी मडाइबा आवश्यक। एहा प्रकार रे तळी आमे जदि बुणीबा तबे तळी गुडी को प्राय 8 रु 10 दिन भीतर बिहन रु गजा प्रस्तुत होई जिवो। एहा परे नडा को बाहर करी सेथिरे आमे भल भाबरे पानी मडाइबा। एही प्रकार रे तळी गुडी को पाखापाखी 21 दिन रो होई गले मुख्य जमि रे लगाइबा पे प्रस्तुत होई जाय। एहा त गला मंजी रु किपरि तळी प्रस्तुत करिबा। एहा छडा जेउ चासी भाई माने व्यवसायिक भितिरे फूल चाष करिथांति प्रायत कट्टा कलमी द्वारा वंश विस्तार करि सेहा को व्यवहार करिले अपेक्षाकृत अधिक फूल अमल होइथाय, एवं कम समय रे मध्य फूल अमल होइथाय। सेथिपई भल मा गछटिए बाछिबा उचित, एवं एही भल मा गछरु पाखापाखी 6 रु 10 सेंटीमीटर लंबर डाळ संग्रह करिबा, एवं सेही डाळ को सेराडेक्स बा रुटेक्स पाउडर रे बुडाई भल पूर्वरु प्रस्तुत बालुका सज्जा रे बुडा पोतिबा उचित। एहा परे एथिरे भल भाबरे पानी मडाइबा। एही प्रकार रे करिले 21 दिन मध्य रे तळी गुडी का प्रस्तुत होइ जिवो, एवं एही तळी को आमे पूर्वरु प्रस्तुत होइतिबा जमि रे रोपण करि परिबा। आपणको समस्या किबा मतामत को आमे निशुल्क फोन रे निश्चय पचारंतु। समय अपराह्न 4 रु 5 आउ नंबर हैला 1800-4192-155। आपणको चास समस्या सफलता किंबा मतामत आमको ई ठिकणा रे जणाई परिबे। ठिकणाटी हैला
ପ୍ରଡ୍ୟୁସର ଅନ୍ନଦାତା ନ୍ୟୁଜ୍ ଏଟିନ୍ ଓଡ଼ିଆ SP3 ବିଲ୍ଡିଂ ରାମୋଜୀ ଫିଲ୍ମ ସିଟି ହାଇଦ୍ରାବାଦ 501512 ଆମର ଇମେଲ୍ ଠିକଣା ହେଉଛି p18annadataoriya@nw18.com ସମୟ ଇସାରା ଦେଲାଣି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଏଇଠି ରଖୁଛୁ କାଲି ଆଉ କିଛି ନୂଆ ତଥ୍ୟ ନେଇକରି ଆସିବୁ ଦେଖିବାକୁ ଜମାରୁ ଭୁଲିବେନି ଠିକ୍ ଏହି ସମୟରେ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ ନମସ୍କାର।